नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, यदि आप Redmi की मोबाइल है और आपका डाटा ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाता है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने नेटवर्क से कहीं बाहर हो जाते हैं या नेटवर्क सही से नहीं आता है, तो इसके कारण प्रॉब्लम आती है। अगर आप नेटवर्क में हैं तब भी आपका डाटा ऑन ऑफ हो जाता है, तो चलिए आपको बताते हैं इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आपको बताते हैं क्या करना है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल को सेटिंग को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद देखिए आप में कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। हम तो रेडमी मोबाइल यूज करते हैं तो हमारे में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर आप अदर कंपनी के मोबाइल यूज करते हैं तो कुछ ऊपर नीचे देखने को आपको मिल सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप में देखिए ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जिस भी अगर आप में दो सिम लगी है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाती है। जिस भी सिम में आप सोचते हैं कि हमारा नेट चल रहा है उसी में का डाटा ऑन ऑफ हो रहा है, तो उस सिम को आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको बताते हैं अब आपको क्या करना है। इसके बाद आपको यहां पर एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन जो दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर जाना है और आपको यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन देख सकते हैं। रीसेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस रीसेट वाले ऑप्शन पर कर देना। थोड़े टाइम लगेगा, इसके बाद यह रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर नेटवर्क रीसेट होगा। इसके बाद आइए आप बताते हैं अब आपको क्या करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यदि 3G पे सेलेक्ट है तो प्रेफर्ड या LTE पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर LTE पे तो आपको प्रेफर्ड 3G पे करके फिर दोबारा LTE पे कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन जो सो राइस वाले पे ऑप्शन पर आपको जाना है और आपको नेटवर्क एक बार ऑफ कर देना है। फिर आपको ओके का ऑप्शन आएगा, फिर आप ओके कर देना है। इसके बाद देखिए आपका नेटवर्क सर्च होगा। इसके बाद आपको थोड़ा टाइम रुक जाना है। इसके बाद देखिए आप में कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जिस भी कंपनी की आपकी सिम है उस सिम को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट नेटवर्क जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको दोबारा ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद भी यदि आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो हम बताते हैं क्या करना है। इसके बाद यूज वैलिड के जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको एक बार ऑफ करना है, फिर इसे दोबारा ऑन कर देना है। इसके बाद आपको बताते हैं अब आपको क्या करना है। इसके बाद आपको मोबाइल डाटा को एक बार ऑफ करना है, फिर ऑन कर देना है। इसके बाद भी यदि आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो आप अपनी मोबाइल को पावर ऑफ वाली बटन दबा को आपको यहाँ पर रिबूट कर लेना है या रिस्टार्ट कर लेना है। अगर ये सेटिंग कर लेते हो तो आपके रेडमी मोबाइल में ऑटोमेटिक ऑन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।